हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गई हूँ अपने गांव वापस, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई थी। मैंने सोचा कि वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा अपना गांव दिखा दूँ। यदि देखिए, यहाँ पे चूल्हे पड़े हुए हैं, मिट्टी के चूल्हे रहते हैं ना, वो हैं। और अभी अभी बिल्कुल सूरज निकला है और मैं जा रही हूँ अब बाबा जी के पास, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि घर में बरकत के लिए बाबा जी से कोई अच्छा सा उपाय पूछिए। तो चलिए बाबा जी के पास चलते हैं, पूछते हैं उपाय। बताओ उपाय। गुल्लक में, मंदिर में गुल्लक धरती समय पैसा डाट रहा है। मंदिर में गुल्लक धरती पैसा डाट रहा, जब भर जाए कई बार दान कर दे। और जोर से बताओ बाबा जी, जोर से बताओ, जोर सुनाई नहीं आ रही। गुल्लक में, मंदिर में गुल्लक धर दे तमें पैसा डारा है, रोज रोज पैसा डारा है, जब गुल्लक भर जाए कई दान कर दे। मंदिर में गुल्लक धर दे वहाँ में पैसा डाल रहा है, जब गुल्लक भर जाए तो वहाँ को फिर दान कर दे। अच्छा, चलिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ तो आ गया होगा। देखिए, आपका घर का कोई भी मंदिर हो, जिसको भी आप मानते हो, उसमें एक छोटा सा गुल्लक आपको रख लेना है। और गुल्लक ना हो तो ऐसे खुले, देखिए मैंने जैसे पैसे रख दिए हैं, इस तरह से भी आप पैसे रख सकते हैं। पर बस ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको वो पैसे अपने खर्च के लिए नहीं लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप हर रोज़ के 1000 रुपये डालिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज़ का 1 रुपये डालिए या दूसरे दिन 10 रुपये डाल दीजिए, मतलब आपके ऊपर है। जैसे आपके घर में कमाई हो, जैसे भी आप कमाते हो, उस हिसाब से आपको एक छोटा सा गुल्लक ले लेना है या इस तरह से खुले रख दीजिए। और मैं तो यहाँ फ़ोटो जो है ना उसके पीछे रख देती हूँ। और ये है देखिए, ये मिट्टी के गुल्लक। तो मेरे घर पर 2 मंदिर हैं, तो ये जो है मेरा ऊपर रखती हूँ इसको, मतलब बेटी से डलवाती हूँ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है कि किसी भी लेडीज़ से, मतलब चाहे मम्मी से, चाहे वाइफ से, चाहे बेटी से, किसी से भी आप डलवा दीजिए इस गुल्लक में पैसे। और जब ये भर जाए तब आप इसको फोड़ लीजिए। मेरी ये अभी भरी नहीं है, ये देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ ना छुट्टियों में या वैसे, तो बेटी मेरी इसमें डालती है और ये हमने अपने मंदिर के लिए रख रखी है। ये उपाय बाबा जी ने मुझे बहुत पहले से बताया है और मैंने इस नियम को किया, सच में बहुत ही काम करता है, आप ज़रूर से कीजिएगा। और इससे जुड़ा जो भी पैसा हो, यानी जब भी आप ये गुल्लक फोड़ें तो आपको इसको दान कर देना है। चाहे गौशाला में गायों को खिला दीजिए, किसी को कपड़े दे दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, ठीक है, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अपने यूज़ में इसे नहीं लेना है। आप ये नियम करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बरकत होती है घर में। ये छोटा सा नियम ज़रूर लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का नियम है ये। रोज़ हम जाने कितने सारे रुपए खर्च कर देते हैं, वो भी बेफालतू, जिनका कोई भी हम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन क्या हम 1 रुपया रोज़ निकाल नहीं सकते? तो आप इस तरह से निकाल कर देखिए और देखिए आपके घर में कितनी ज़्यादा बरकत होना शुरू हो जाएगी। बड़े बूढ़े द्वारा बताई गई कोई बात गलत नहीं होती है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, हमसे ज़्यादा। जैसे हमारे बच्चों के पास वो अनुभव नहीं है जो हमारे पास है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अभी वो अनुभव नहीं है जो बाबा जी के पास है, और हो सकता है हम लोग इस उम्र तक पहुँचे भी ना। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, बाय।